आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। जनपद बांदा में ग्रामीणों ने गौ रक्षा समिति के सानिध्य में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ग्राम पंचायत सिंहपुर माफी ब्लॉक बिसंडा की गौशाला में 480 से अधिक गायों की संख्या थी। गौशाला में गायों की उचित देखभाल न होने के कारण तथा चारा भूसा की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण बहुत सी गायें भूख और प्यास से मर गई। वर्तमान समय में केवल 180 गाय बची है, शेष गाय मारी जा चुकी है या फिर कहीं अन्य जगह खदेड़ दी गई है। भूसे के नाम पर गायों को केवल सरसों लाही का भूसा दिया जाता है, बीमार गायों का कोई इलाज नहीं कराया जाता। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किया तो ग्राम प्रधान ने रात में अन्य गांवों से गाय मंगवा कर रिक्त गायों की पूर्ति की और जिलाधिकारी के गांव पहुंचने से पहले रिक्त स्थान गायों की पूर्ति कर दी। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी उप जिलाधिकारी को दी। रात में गाय दूसरे गाँव से मंगाई गई है और गौशाला की जो गायें थी उनके बैच बिल्ले लगे हुए थे और जो अन्य गाय लाई गई है उनके बैच बिल्ला नहीं लगा हुआ है। 7 गायें मर गई है जिनको रात के अंधेरे में ग्राम प्रधान ने ट्रैक्टर से घसीटवा कर चुपचाप दफना दिया। इन सब कारणों के चलते मांग की गई है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा निरीक्षण के लिए आए जिला अधिकारी से साठ गांठ करके मामले को दबा दिया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं सिंहपुर का मूल निवासी हूँ। हमारे यहाँ गौ सेवा के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। गौ सेवा में हमने गौशाला में अपने देखा, अभी से जब ठंडी में बारिश हुई थी 3-4 दिन की लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, तब 27 गायें मरी थी। मैंने जाके कवर किया, वीडियो बनाया वहाँ का। इसके बाद वीडियो बनाने के बाद हर जगह न्यूज चैनलों पर उससे निकलवाया भी, चैनल में दिखाया गया और पेपरों में भी आया, लेकिन उसके बाद भी हमारे ग्राम प्रधान रामविलास चिभरे और हमारे ग्राम सचिव अशोक कुमार पटेल, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डेली मैं अपने खेतों तरफ जाता रहा, डेली मैं देखता रहा कि गायों को ट्रैक्टर में बांध करके, जो कि प्रधान जी का ट्रैक्टर आता था, ट्रैक्टर में रस्सी द्वारा बांध करके घसीट के हमारे खेतों में फेंका जा रहा था। मैंने इसकी भी जानकारी प्रधान जी को और सचिव साहब को दिया कि सचिव साहब ऐसा ना करिए, हमें खेतों में रहना है, 12 घंटे तो कम से कम हम खेतों में ही बिताते हैं। इसके बाद भी नहीं सुधरे। इसके बाद अभी फिर से मामला दोबारा रिपीट हुआ, कम से कम 12 से 13 गाय मरी। इसके बाद 7 गायों का हमने पीएम करवाया। पीएम करवाने के बाद रिपोर्ट का हमें मालूम नहीं क्या रिपोर्ट दिया डॉक्टर साहब ने, पशु चिकित्सा अधिकारी को हमने ही बुलाया था, हमने ही पीएम करवाया था और हमने ये भी कहा था कि यदि आप पीएम नहीं करेंगे तो हम रोड पे रख के जाम लगा देंगे। जाम लगाने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ आएंगे तभी जाम खुलेगा, तब जाके उन्होंने पीएम किया। पीएम करने के बाद इसके बाद फिर हम कल यहाँ बांधा आए, मंडलायुक्त साहब को उनको भी दिया एक ज्ञापन, एक ज्ञापन यहाँ पे अपने उप जिलाधिकारी क्या कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट साहब को दिया। इसके बाद फिर कल SDM अतर्रा वो पहुंचे हमारे सिंहपुर, उन्होंने बताया कि 3 गाय मरी हैं। हमें डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में जो रिपोर्ट वहाँ से बनी है, रिपोर्ट में 3 गाय बताया गया है। अगर साहब ऐसी बात कुछ नहीं है, कम से कम 12-13 गाय मरी हैं, 7 गायों को तो हमने पीएम करवाया है जिनके अंदर 9-9, 10-10 माह का लगभग बच्चा निकला है पेट में गायों का। हमारे पास सभी वीडियोज हैं, शुरू से लास्ट तक के सभी वीडियो मेरे पास है। जब जो भी अधिकारी जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं वो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन यही दिया है कि अब कार्रवाई करेंगे, अब आगे वो जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा पाठक। अच्छा, क्या मामला है? मामला हमारे ग्राम सिंहपुर का है, जो गौशाला का, जो गाय वहाँ भूख प्यास के कारण मर रही। तो आज आप कहाँ आए हैं? हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हैं और यहाँ उनको ज्ञापन देके हम सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराए। तो गाय मर रही हैं तो इसकी जानकारी क्या ग्राम प्रधान सचिव वगैरह को नहीं दी गई? हमें सबको जानकारी दी गई है, BDO साहब को जानकारी दी गई है, उप जिलाधिकारी को जानकारी दी गई है, मंडल आयुक्त को जानकारी दी गई है। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? किसी अधिकारी ने मौके पर आकर देखा? जी, कल हमारे गाँव में उप जिलाधिकारी अतर्रा महोदय जी आए थे, जो कि इसके पहले गायों की संख्या 180 थी, जिसमें ग्राम प्रधान रात में ही गायों की रात में गाय लेकर और गौशाला में रखवा दिए गए हैं, जिसमें 315 गायों की संख्या उन्होंने रात में बढ़ गई। नतु प्रसाद पटेल।